गंदगी भारत छोड़ो। क्या सफाई इस देश को गंदगी से मुक्त करना ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये स्वच्छता का अभियान 2019 तक हर हिंदुस्तानी का स्वभाव बनना चाहिए। स्वच्छता हमारे रगों में, हमारे जहन में, हमारे विचार में, हमारे आचार में स्वच्छता का प्रथम स्थान होना चाहिए। और इससे बड़ी पूज्य बापू को कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत माँ के संतान, हमारी इस भारत माँ को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा? ये हमारा दायित्व तो होना चाहिए।